नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपके साथ अंजू कश्यप। आज 18 दिसंबर है, साल के 12वें महीने का यह 18वां दिन इतिहास के पन्नों में एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। 18 दिसंबर 1271 में कुलवाया खान ने अपने साम्राज्य का नाम युवान रखा, जो मंगोलिया और चीन में फैला हुआ था। 18 दिसंबर 1398 में तैमूर लंग ने सुल्तान नुसरत शाह को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। 18 दिसंबर 1787 में न्यूजर्सी अमेरिका संविधान को स्वीकार करने वाला तीसरा राज्य बना। 18 दिसंबर 1833 में रूस का राष्ट्रीय गान गॉड सेव द जॉर पहली बार गाया गया। 18 दिसंबर 1878 में सोवियत यूनियन की महाशक्ति में बदलने वाले नेता जोसेफ स्टालिन का जन्म हुआ। 18 दिसंबर 1897 में भोजपुरी कलाकार, संगीतकार और सामाजिक कार्यकर्ता भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ। वहीं 18 दिसंबर 1956 में जापान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की। 18 दिसंबर 1979 में सचिन ने अपना पहला एकदिवसीय क्रिकेट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। 18 दिसंबर 1833 में रूस का राष्ट्रीय गान गॉड सेव द जॉर पहली बार गाया गया। 18 दिसंबर 2014 में सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 का सफल प्रशिक्षण हुआ। 18 दिसंबर 2017 में राष्ट्रीय मंडल कुश्ती चैंपियन में भारत ने जीते 30 में से 19 स्वर्ण। 18 दिसंबर 2015 में ब्रिटेन ने कोयला खदान के केलियान को बंद किया। 18 दिसंबर 2008 में ब्रंसोस सुपरसोनिका क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। वहीं 18 दिसंबर 2007 में जापान ने इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इतिहास के कुछ ऐसे ही जानकारी। नमस्कार।